हाँ जी नमस्कार सभी को, मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेटा प्लस यूट्यूब में। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं मैथ्स के सेक्शन में और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए हमारे चैनल पर अभी तक जितनी भी वीडियोस लाई गई हैं वो कंसेप्ट से थोड़ा सा आगे निकलकर सिर्फ क्वेश्चंस पर हमने टारगेट किया है। कैसे कि अब जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम में जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो अपना पहले कंसेप्ट क्लियर करें और उसके बाद फिर अगर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो उनके लिए टाइम पड़ेगा कम। लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो सीटेट में आते हैं और आते रहेंगे आगे भी, उनके लिए आसान ट्रिक्स बताना, आसान तरीका बताना और उसके लिए कंसेप्ट को उतना ज्यादा क्लियर होना भी मुझे खास जरूरी लगा नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं, सीटेट का लेवल है, कुछ खास बड़ा लेवल है नहीं। तो इस वजह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप नॉर्मल चीज से भी कर सकते हो। बाकी आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो कंसेप्ट था वो क्लियर करवाना मुझे थोड़ा सा लगा कि जरूरी है, आप लोगों की डिमांड थी, तो उसके लिए मैंने जो लास्ट वीडियो थी वो एलसीएम और एचसीएफ पर फोकस करके बना दी थी। तो आज हम थोड़ा सा उसी में और आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आज भी एलसीएम पर बेस्ड रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में हम पार्ट्स देखेंगे कि एक किसी नंबर में दूसरे नंबर के कितने भाग बन सकते हैं, और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे वही जो पुराना अपना तरीका होता है कि किसी एक डब्बे में कितनी चीजें पैक हो सकती हैं ये वो, लेकिन इसमें हम उसकी क्षमता पर जो है कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक अलग से तरीका है, एक अलग से क्वेश्चन का तरीका है, आंसर यानी क्वेश्चन का अलग से तरीका है जो आपसे कई बार घुमाकर पूछे जाते हैं उसका तरीका वो आपको बताऊंगा। और लास्ट में फिर से वही कि जो एंगल पर बेस्ड आता है, देखिए ये किसी वस्तु पर बेस्ड है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है, और ये एंगल की डिग्री पर बेस्ड है, जो आपके कोण होते हैं उनकी डिग्री पर बेस्ड है। तो हालांकि ये दोनों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपस में थोड़े से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछने की वजह से कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम ये चारों क्वेश्चन डिस्कस करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है एलसीएम। तो 18 और 6 का जो एलसीएम होगा उसे गुणा करके किससे मल्टीप्लाई, किससे गुणा करना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25 एंड 15, मतलब 18 और 6 के एलसीएम को 25 और 15 के एलसीएम से गुणा करना है और बस आपका आंसर आ गया, इतना ही करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि 18 और 6 का एलसीएम होगा कितना। अब मैं कुछ ये ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एलसीएम में अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और बड़ा नंबर छोटे नंबर की टेबल में आता है, जैसे 6 3 18 होते हैं, 6 3 18 होता है, तो इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसका जो बड़ा नंबर होगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब उसके बाद 25 और 15, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये कोई ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। तो देखो 25 के टेबल में कौन से नंबर आएंगे, 1/4 वाले आएंगे, जैसे 25 1/4 हो गया, 50 हाफ हो गया 100 का, 75 उससे भी 25% और हो गया, इसी तरीके से चलते रहेंगे। और 15 की टेबल में हमें ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है 25 की टेबल में जो सबसे पहले आए और 15 की टेबल में भी आ जाए। ठीक है, तो 15 की टेबल को हम देखेंगे वही, तो 15 की टेबल में कौन सा आएगा, 15 2 30, 30 नहीं आता, 45, 45 भी नहीं आता, ऐसे करके हम क्या करेंगे 75 तक पहुंच गए हम। ठीक है, तो जो 75 है वो 15 की टेबल में भी आता है और 25 की टेबल में भी आता है। अब अगर भाई आपकी टेबल मतलब आपकी जो पहाड़ी अगर कमजोर है तो आप एलसीएम करके देख लेना, अगर किसी के पहाड़ी स्ट्रांग है, याद है उसे टेबल, तो ऐसे ही बिना किसी कैलकुलेशन के भी वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इसका भाई एलसीएम क्या आ गया, 75। ठीक है, ये आ गया 75, और जो हमारा पहले वाला था 18 और 6 उसका एलसीएम कितना था, 18। तो इसको हमने क्या कर देना है, 18 को 75 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वही हमें चाहिए था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भाई आप करके देख लेना, ऐसा नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊंगा। तो ये भाई आपका क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार वापिस से बता देता हूं, 25 और 15 की टेबल में कॉमन नंबर कौन सा है सबसे पहले वो देखना है। ठीक है, तो 15 को 5 से करोगे 75 आएगा और 25 को 3 से करोगे 75 आएगा, उससे पहले 25 की टेबल में 50 आता है जो कि 15 की टेबल में नहीं आता है, और 25 खुद भी 15 की टेबल में नहीं आता, तो इस वजह से 25 की टेबल में आने वाला तीसरा जो नंबर है 75 वो 15 में भी आता है, इस वजह से हमने लिख लिया। ठीक है, ऐसे इसका एलसीएम निकल गया और इसका एलसीएम का तरीका मैंने बताया था। तो ये भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन।
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आपका। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 1/26 आर इन 4/13, मतलब 1/26 कितने बनेंगे 4/13 में से। देखने में ये नंबर छोटा लग रहा है पर एक्चुअल में ये नंबर छोटा है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि 4/3 हमने लिख दिया, 4/3। अब क्या देखना था हमें, 1/26। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या करना होता है। जैसे मान लो इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, इसको एक बार हटा के आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 10 के नोट में कितने 2 रुपए के सिक्के बनेंगे, तो आप डिवाइड करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। 2 से इसको काट दोगे तो आप क्या कहोगे, 10 के नोट में 5 2 के सिक्के बन गए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि 4/13 में कितने 1/26 बनेंगे, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये 10 का नोट और ये 2 रुपए का सिक्का, अब जब इसे आप डिवाइड करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने 1/26 बनते हैं 4/13 में। तो अब ये जो अपॉन वाले होते हैं, मतलब जो बटे वाली संख्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करने का, उनको डिवाइड करने का आसान तरीका क्या होता है, आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। ये हम बीच में से ये डिवाइड का निशान हटा देंगे और 1/26 को यहां उल्टा करके लिख देंगे। 1/26 को हम क्या लिख देंगे, यहां 26/1। तो जो डिवाइड का निशान था, जो भाग का निशान था, वो गुणा के निशान में बदल जाएगा और ये नंबर हो जाएगा उल्टा। अब इसे सिंपली सॉल्व करना है, 13 को 26 से काट दो, 13 × 2 = 26, और अब सामने वाले नंबरों को गुणा कर दो, 4 × 2 = 8, तो ये 8 हो गया और ये नीचे दोनों में 1 बच गया, उसका कोई फायदा है नहीं। तो या तो आप 8/1 लिख लो या आप सिंपली सिर्फ 8 लिख लो। तो ये आ गया आपका आंसर। तो 4/13 में 8 1/26 बनने थे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी उसका आंसर निकालने में। सवाल सिर्फ ये है कि आपने क्वेश्चन को समझा या नहीं समझा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है भाई तीन जो आम है उनका वजन है 1 किलो और 15 आम जो है वो पैक हो जाते हैं एक बॉक्स में, एक बक्से में। तो आपको बताना है कितने डब्बे या कितने बॉक्स चाहिए 180 आम को पैक करने के लिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या है, 3 आम 1 किलो के हो जाते हैं और 15 आम जो है वो पैक होते हैं एक डब्बे में, तो 180 किलो आम कितने डब्बों में पैक होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां देखो क्या करेंगे हम, सिंपली 180 किलो में कितने आम आते हैं ये हम पहले काउंट कर लेंगे और उसे कर देंगे 15 से भाग, आपके डब्बे आ जाएंगे, ठीक है। 180 किलो में कितने आम बनते हैं, 1 किलो में अगर 3 है तो 180 में कितने होंगे, 3 से गुणा कर दो, ठीक है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले आते हैं तो 5 दर्जन में कितने आएंगे उसे मल्टीप्लाई करके पता चलता है। तो सेम उसी तरीके से 180 किलो आम जो है उसमें कितने बनेंगे टोटल, 180 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, 180 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई 3 से, तो ये क्या आ जाएगा, 0 अलग से लगा लो और 18 × 3 = 54 हो गया, तो 540 540 आम हो गए। अब 540 आम कितने डब्बों में पैक होंगे, एक डब्बे में कितने आते हैं 15, तो 540 कितने में आएंगे, अब इसको 15 से भाग कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 540 भाग में 15। ये आपको सिंपली डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देख लो भाई ये कितना हो गया, 15 × 3 = 45 और उसके बाद कितना बचा 9, ये हो गया 90 और कितना हो जाएगा 15 × 6 = 90, तो 36 डब्बे आपके बनेंगे। अब डिवाइड करके भाई आप लोगों को खुद को देख रहे हैं, डिवाइड करके आप देख लेना, अगर किसी की जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग है तो वो जल्दी कर लेगा और किसी की थोड़ी सी वीक है तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, पर कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, इतने कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं। तो इस तरीके से भाई वापिस से एक बार बता देता हूं, 1 किलो में 3 आम, 15 आम जो है एक डब्बे में, तो 180 किलो आम डालने में कितने बक्से हमें चाहिए। तो क्या करना है, 180 किलो में कितने आम आते हैं पहले वो देखेंगे, 180 किलो में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 540 आम हो गए, 540 आम के लिए कितने डब्बे चाहिए, एक डब्बे में 15 आम, तो इसे हम क्या कर देंगे, 540 को 15 से डिवाइड, 36 आ गया आंसर। तो 36 डब्बे हमें चाहिए आपका पूरा ये जो मटेरियल है उसे पैक करने के लिए, ठीक है।
इसको इरेज कर देते हैं भाई। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है वो देखते हैं एक बार। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ डिग्री, कुल मिलाकर कितनी डिग्री होंगी 2 and 1/9 स्ट्रेट एंगल में। पहली बात कि स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल कहा जाता है 180 डिग्री को। ये कुछ जो टर्म होती है, जो कुछ नाम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 180 को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 2 and 1/9 अगर ये हो, 2 and 1/9 किसे बोलेंगे भाई, 2 and 1/9, ठीक है। 2 सही 1/9 180 डिग्री के एंगल में कितनी डिग्री आएंगी, ये हमें करना है सॉल्व। तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। अब पहले तो इसे सॉल्व करो। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे साधारण रूप में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 9 × 2 = 18 और 1 = 19, ठीक है। 9 × 2 = 18 और 1 = 19, तो 19/9 आ जाएगा। इसको इरेज करके लिख देते हैं 19/9। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके करोगे आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा, 19/9। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो इसे हमने क्या कर दिया, काट दिया, ये हमने काट दिया, ठीक है। अब 20 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो क्या करेंगे, 19 × 2 = 38 और 0 लगा दो, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। कैसे आया, 2 सही 1/9 सीधे कोण जो होते हैं, मतलब स्ट्रेट एंगल जो होते हैं, जो 180 डिग्री के होते हैं। देखो जो भी एंगल का नाम दिया होगा, अगर स्ट्रेट एंगल दिया है तो 180 लिख दो, अगर राइट एंगल दिया है तो कितना लिख दो आप, 90 लिख दो, और अगर कंप्लीट बोला है तो आप 360 लिख दो। तो इस तरीके से भाई आपकी यहाँ जो एंगल का नाम है उसके हिसाब से डिग्री आएगी। फिर हम देखेंगे कितना भाग निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। 2 and 1/9, तो 2 and 1/9 को हमने 19/9 लिख लिया, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मल्टीप्लाई करके लिखा हमने और आंसर आया हमारा क्या, आंसर आया 380। तो 2 सही 1/9 जो स्ट्रेट एंगल होते हैं उसमें 380 डिग्री बनते हैं। तो इस तरीके से भाई ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया भी होगा। इसी तरीके से और थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसी तरीके से फिर आगे बढ़ते चलेंगे, सीटेट को क्लियर करने के और पास पहुंच जाएंगे। बस करना इतना है कि आपको मेहनत करती रहनी है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं उस जैसे, मतलब उसे सिमिलर जितने भी क्वेश्चन आपको देखे, बस सॉल्व करते हुए चलना, आलस मत मानना, मैथ से डरना नहीं है। मैथ्स ही एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो आपको अगर सही तरीके से आता है तो आपको कंप्लीट नंबर दिला सकता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैथ्स में कभी नहीं आ सकते। इसमें जो आंसर है वो है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बाकियों में दृष्टिकोण बदलने की वजह से डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कई बार सामने आते हैं। तो इस वजह से इस पे मेहनत करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स आपको करवाए थे एक वीडियो में, उसी पर बेस्ड है। सेकेंड क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, आपका प्लेस वैल्यू से। थर्ड क्वेश्चन फिर से आपका डिविजिबिलिटी रूल से, और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, मतलब 8th क्वेश्चन आज की वीडियो का, ये थोड़ा सा टाइम पर बेस्ड है। तो इसमें जो बेसिक गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स उसकी मैं बताऊंगा आपको, पर फिलहाल जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि आपको रिमाइंडर का सम फाइंड करना है, मतलब शेष का योगफल आपको देखना है अगर 1364 को 9 से भाग किया जाए और 1364 को 11 से भाग किया जाए। तो अब पहली बात यहाँ की, अपने पास सीटेट में इतना टाइम नहीं होता कि दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, तो कुछ ऐसी डिवाइड जो बहुत ज्यादा इजी हो जाए। कैसे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, सबको ऐड कर दो, जो आंसर आए उसे 9 से भाग कर दो। तो कैसे करेंगे, 1 और 3 = 4 और 6 = 10 और 4 = 14। अब 14 को 9 से अगर आपको डिवाइड करना है तो क्या होगा, 9 × 1 = 9 भी रह जाएगा, तो 14 में कितना एक्स्ट्रा बचा, 14 में एक्स्ट्रा बचा कितना, 5। तो 5 को हम क्या लिख देंगे, 5 रिमाइंडर आया अगर हमने इससे डिवाइड किया तो, ठीक है। अब उसके बाद 1364 को 11 से, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जो इवन प्लेसेस होती हैं उन्हें एक साथ जोड़ दो, जो ओड होती है उन्हें एक साथ जोड़ दो।
मतलब 4 और 3 7 ये आगे लिख लो और 6 और 1 7 इसे बाद में लिख लो, आंसर क्या आया 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, कुछ नहीं आएगा रिमाइंडर। तो दोनों के रिमाइंडर को अगर शेष को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 5 और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका था भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, कुछ अलग से आपको इसके लिए डिवाइड वगैरह नहीं करना, बहुत इजी है। मतलब अगर आपके पास पेपर पेन ना भी हो, अगर आपका मतलब मूड हो कि मुझे पेपर पेन के बिना ही करना है और जल्दी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो बहुत इजीली। 9 के लिए क्या करना है, सभी संख्याओं का जोड़ मतलब जोड़ कर दो, उनका योग कर दो और उसके बाद देखो 9 से भाग होता है कि नहीं और जितना नंबर बचेगा वो आपका रिमाइंडर है। कैसे, 3 और 1 4 और 6 10 और 4 14, 14 को 9 से अगर भाग करोगे तो 9 को पहले नंबर पे मतलब 9 1 9 गया, बचा कितना 5, 5 रिमाइंडर आ गया। फिर इससे करोगे 4 और 3 7 आगे लिख लो, 6 और 1 7 बाद में लिख लो, माइनस कर दो, आंसर आया 0। तो 0 रिमाइंडर बचेगा अगर इस नंबर को 11 से डिवाइड किया जाएगा तो 5 और 0 कितना आंसर आ गया 5। तो ये तरीका था आपके फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, मतलब कोई डिवाइड नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। अब इस 11 की जगह 17 भी हो सकता था, 19 भी हो सकता था, 27 भी हो सकता था, 37 भी हो सकता था, सबका डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है। अगर किसी का ना बताया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको कम से कम 8-10 वीडियोस मिलेंगी, सारी देख लेना और जो भी आपको समझना है मुझे बताना, आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा भाई अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लो और आज की लाइक का टारगेट बना लो 1000। 1000 अगर लाइक्स अभी तक नहीं आए होंगे वीडियो पर तो नीचे देखो, अगर लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2424। मतलब कि जो एक मैंने बताया था आपको, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। जातीय मान का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर नंबर 5 है तो 5 ही उसकी फेस वैल्यू है। जातीय मान कितना होता है, ये स्थानीय मान, स्थानीय मान होता है उसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कैसे होती है वो भी आपको बताई थी, एक बार वापिस से रिपीट कर देता हूं कि इसमें अगर हमें 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है, कई बार क्या होता है कि आपको 2 संख्याएं दी होती हैं, 2424 और 3424 इस तरीके से दी होती है, तो उसमें से आपको क्या करना होता है, छांटना होता है कि दोनों नंबर में 2 कहां पर आया है। लेकिन ये क्या है, ये एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर में 2 कितनी जगह आया है, 2 जगह आया है, तो हमें दोनों को लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख लिया 2424। ठीक है, ये हमारी संख्या है, इसमें हमें 2 की प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। तो ये एक हो गया आपका 2, तो ये क्या लिख देंगे हम 2 और इसके पीछे जितने भी नंबर है उनकी जगह 0। और इसी तरीके से ये एक और है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे और बाकी जितने भी नंबर है उसके पीछे 0। अब इन दोनों नंबरों को भी जोड़ कर दो, ये हो गया 2, ये 0 2 0 2। तो इसकी प्लेस वैल्यू का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 2220। या फिर एक और तरीका आपको बताता हूं, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, जहां भी सबसे आगे 2 आया हो या वो नंबर जो भी है उसमें क्या करो, वो नंबर ऐसा का ऐसा लिख लो। ठीक है, जैसे 2424 नंबर दिया हुआ है, या फिर और भी आगे बढ़ा लो, इसे और आगे कर लो 2-4। अब मान लो ये और बढ़ा दिया होता 2-4, तो इस तरीके से अगर बोला होता कि 2 का प्लेस वैल्यू का या स्थानीय मान का योग निकालो, तो आपको क्या करना है, इसमें से जितने भी ये हैं 4 हैं उनको मिटा दो। ठीक है, इसकी जगह 0 कर दो, 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 बस ये आपका आगे आंसर, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। मतलब जिस भी चीज का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है उस नंबर को छोड़ के सबके सब 0 कर दो। ठीक है, इस तरीके से भाई आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली सारे नंबर को हटा दो, उसकी जगह 0 कर दो। जो आपको बोला गया है, यहां 2 बोला गया है तो 2 छोड़ देना, अगर यहां 4 बोला गया होता तो मैं 4 छोड़ देता और बाकी सबकी जगह 0 कर देता। तो इस तरीके से भाई आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो ये भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया सोल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, तो आपके आज कितने हो गए 6 क्वेश्चन। अब 7वां देखते हैं, 7वां क्वेश्चन भी भाई बहुत इजी है। 7वां क्वेश्चन है आपके लिए, 53538 को 5 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, कितना शेष फल आएगा।
तो यहाँ हमें क्या करना है, आखिरी नंबर देखना है और कुछ नहीं देखना। आखिरी नंबर क्या है यहाँ पर, आठ है। अगर ये नंबर पांच से बड़ा है तो इस नंबर में से पांच घटा दो, कितना बचा, तीन। तीन हमारा आंसर है, ये लो, कुछ भी नहीं किया हमने, आ गया तीन। अब मान लो ये आठ ना होकर ये दो होता, ठीक है, ये होता हमारे पास दो, तो क्या आंसर होता हमारा, तो हमें कुछ भी नहीं करना। अभी तो हमने माइनस भी किया था, तो हमें कुछ भी नहीं करना, दो लिखा हुआ है दो ही आपका आंसर आ जाएगा, इसे हटा दो और आंसर लिख दो दो, कुछ भी नहीं करना। तो ये पांच का जो डिविजिबिलिटी वाला सीन होता है ना, ये बहुत ही इजी होता है। अच्छा अब भैया आपका सेवंथ क्वेश्चन भी हो गया, अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, और ये आज की वीडियो का थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ये एक बार देखते हैं कि बच्चे कैसे गलत करके आते हैं। देखो ये बोला है 12:34 एक समय है और 14:35 दूसरा समय है, और ये एक ही दिन का समय है, तो आपको बताना है कि इन दोनों समय के बीच जो है कितने घंटे और कितने मिनट का फासला है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं क्वेश्चन। तो अब आप क्या करोगे, अब आप कई बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये 12:34 है, इसके बाद कितना आएगा 13:34, फिर कितना आएगा 14:34, दो घंटे हो गए, ये एक एक्स्ट्रा मिनट है, तो दो घंटे और एक मिनट, ये आ गया आंसर। क्यों, क्योंकि सेम दिन का टाइम था, पर ऐसा है नहीं, ये आंसर आएगा आपका गलत। कैसे गलत आएगा, गलत ऐसे आएगा कि इसके आगे था एएम, एएम को भी बच्चे कई बार क्या मान लेते हैं, दोपहर वाला समय, और ये है पीएम, तो इसको क्या मान लेते हैं, शाम वाला समय, लेकिन उल्टा है, ये है सुबह वाला समय, कौन सा, जो आपको रात का आता है, ठीक है, 12:34 एएम रात को बजते हैं, दिन में नहीं बजते, ठीक है। अच्छा उसके बाद है आपका 14:35 पीएम, तो ये देखो हमेशा क्या रूल है, हमेशा ये रूल है कि जब ये 24 घंटे वाला सीन होता है ना, जब 12 के बाद 13 और 14 बजते हैं, तो उसमें से एएम और पीएम कभी नहीं लगाया जाता, लेकिन ये क्वेश्चन डिजाइन ही इस वजह से किया गया है कि हम तो टाइम को भी 24 आवर के फॉर्मेट में लिखेंगे और साथ में एएम और पीएम भी लगाएंगे। अब समझ में आता है तो समझो, वरना गलत करके चले जाओ। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है 12:34 से 14:35 का जो समय आपका हुआ, उसमें क्या बात हुई, बात ये हुई कि आपका कितना बचा था समय, समय आपका बचा था दो घंटे एक मिनट। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपने सोचा था दोपहर वाला, लेकिन ये क्या था, रात वाला, तो इसमें दो, ये 12 घंटे आपको ऐड कर देंगे, तो 12 और दो कितने हो गए 14, और ये एक मिनट, तो 14 घंटे एक मिनट आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से भाई आप बड़ी इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, और ऐसे ही भाई आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का, आपके सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप निकाल लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अच्छे तरीके से अपना अटेम्प्ट करो और तैयारी करते रहो, जितने क्वेश्चंस करवाता हूं ध्यान से करो, सलीके से करो, और अपने नोट्स जरूर बनाते रहो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे लाइक का बटन जरूर कर देना। आज के लाइक का क्या हमारा है, आज का लाइक का टारगेट है हमारा 1000 लाइक्स। अगर आपको लाइक ना मिले 1000, तो अभी पहले लाइक करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।